बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए और आज के दिन कुछ बातचीत, कुछ हम कलाम हो गए, हम लोग कुछ बात हो जाएगी। आज का दिन अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहेगुरु जी, कभी हमारा जन्म हुआ, अब 90th जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि खयाम साहब 90 ईयर में इन्होंने कदम रख लिया है और एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस जो काम कर रहे हैं, हमारी एक पिक्चर है, उसका अभी नाम रखा नहीं गया है, उस पिक्चर को प्रकाश भारद्वाज साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, राजेश सिंह जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, हमारी राइटर माया गोविंद जी, माया गोविंद जी आइए, आइए आप इधर आइए ना, और आसिफा शुभांकर कहाँ है, आसिफा कहाँ है, आसिफा जी इसकी कहानी भी लिख रहे हैं उस पिक्चर की और कुछ नकबात भी, और इंशाल्लाह हमारे अहमद वसी साहब भी इसमें कुछ हिस्सा हमें कुछ नवाजेंगे अपनी शायरी से, अपने नगमात से। तो ये जैसे जगजीत जी ने बताया कि अभी काम भी कर रहे हैं, तो अल्लाह करम है ये हम काम भी करूँ, और एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है अब मार्च में, और दूसरे नगमात हो जाएंगे, और अल्लाह का करम है एक और मुझे पिक्चर ऑफर हुई है, बहुत अच्छी, अगेन म्यूजिकल, वो भी जल्द अनाउंस इंशाल्लाह हो जाएगा। एक और तीसरी पिक्चर, तीन पिक्चरें मुझे तो इंशाल्लाह ईश्वर की कृपा होगी, अल्लाह का करम होगा, वाहेगुरु जी की कृपा होगी हम पे, सो इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। और ये मैं अपने चाहने वालों को, आप सबको एक यकीनन यकीन दिलाऊंगा कि हमारे काम में कभी नहीं आएगी, जैसे जिंदगी भर हमने बुलंद पाया नगमात दिए और बुलंद पाया नगमात सुपर डुपर हिट हुए, वो इसी तरह इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होंगे हमारे पास। एंड बाकी जो मातृ वतन की खिदमत की आप लोगों के सामने, आपको कुछ नौजवानों को मालूम है या नहीं है, हमने दो नेशनल सॉन्ग रिकॉर्ड किए 62 वार में, और ये ड्यूटी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र था उस वक्त, बॉम्बे इसका नाम था, बॉम्बे स्टेट था, तो वो पूरी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन सब ने मुझे चुना, उसमें बड़े बड़े संगीतकार, मुझसे कहीं बड़े बड़े संगीतकार उस महफिल में मौजूद थे, सब के सब, लेकिन सब ने कुछ मीटिंग वीटिंग करके तो ना अनाउंस किया, महबूब खान साहब, बहुत बड़े डायरेक्टर महबूब खान, उन्होंने अनाउंस किया खयाम, तो वो उसका मैं एक एक मुखड़ा पढ़ दूँ कि भाई क्या था वो,
साहेब धानवी साहब, वो लिखते हैं, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, हमारा इम्तहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। और उस पर बहुत बड़े शायर, और जो डेवलपमेंट वो क्या साहेब साहब करते थे वो तो दुनिया भर को मालूम है, क्या करें। और दूसरी नज़म जानसा रख्तसा, तो उसका भी एक पंथ सुना देता हूँ मैं। एक है अपनी जमी, एक है अपना गगन, एक है अपनी जमी, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। रफी साहब की आवाज में तो ये नगमात, इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया, महबूब खान साहब ने इसको डायरेक्ट किया, और दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार साहब और बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें हिस्सा लिया। दो डॉक्यूमेंट्री थी, और उस सिनेमा हॉल में जब इनकी आमद हुई और जो स्क्रीनिंग शुरू हुई है, एक एक लाइन पर जो क्लैपिंग होती थी बयान नहीं की जाती थी। हमने मतलब हम भी सिनेमा देखने जाते तो ये गाने फिल्म शुरू होने से पहले ये गाने बजते, तो ये हमने जो बहुत फख्र महसूस होता है कि हमने कोई अपनी मादरे वतन की खिदमत की। हम क्या सर्विस दे सकते थे, हमने हक अदा किया अपना। तो ये बात कहने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दूसरी एक ख़ास बात, ये इनकी सजेशन, हमने ज़िंदगी भर जो कुछ कमाया, जो कुछ हमारे पास है, हम अपनी मादरे वतन को लौटा रहे हैं। टोटल जो कुछ हमारे पास है वो टोटल, जितना जो कुछ सरमाया है, जितना कुछ इनकी ज्वेलरी है, जितना घर है, वो इंशाल्लाह अंदाजन कुछ 10 करोड़ हो जाएगा, और हम ये सब का सब ट्रस्ट बनाकर ये सब गरीबों की, ज़रूरतमंदों की खिदमत में लगा करेगा। उसमें हमारी मदद साहब भी तो ये बात आपको बतानी जो पता कर मुझे, और जगजीत जी की ये सजेशन, और ये हमारा ख्वाब इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अब इस बात को आप लोग कैसे लेते हैं, ये दिस इज़ अप टू यू, किस तरह आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कोई और किसी ने देखी, दानपुर किए होंगे लेकिन ऐसा किसी ने कभी नहीं किया होगा, ऐसा लगता है कि टोटल हम अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे जब जब बुलाएगा, लेकिन हम सब कुछ दे देंगे, सब कुछ, सब ज़रूरतमंदों के काम आएगा। बस ये हमने आपको बात बताई, और कुछ बात आपने पूछनी हो या कुछ कहना हो तो मैं हाज़िर हूँ, और जगजीत जी हाज़िर हैं, बता दें। खयाम साहब, पहली बार ये ख्याल कब आया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, और इस तरह से आपने जो बात की। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ये जो कह रहे हैं ना गरीबों की, इसका मकसद इनका ये है कि गरीब तो बहुत सारे हैं, सबको नहीं कर सकते। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो ताल्लुक है, जैसे कि म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, ये ट्रस्टीज़ जो भी बनेंगे
उनकी उन पर जिम्मेदारी होगी कि वो ये सारा काम करें कि जो वाकई ज़रूरतमंद है, हकदार हैं, उनकी मदद इस ट्रस्ट से की जाएगी। ये सवाब जारिया है, चलता रहेगा जब तक चलता ही रहेगा। मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों जी हाँ मतलब क्योंकि जी हाँ म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक या गाने वाले सिंगर और भी फिल्म जो तल्लुक है, जैसे तलत अज़ीज़ साहब ने फरमाया, वो सबको ये होता रहेगा। और इंशाल्लाह ये सरमाया ये 10 करोड़ हुआ, 10 करोड़ का ये फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंक हैं उनमें फिक्स डिपॉजिट रहेगा, उस फिक्स मॉडल समझिए 10 करोड़ का, तो सालाना कितना बन गया जो भी है, तो वो उसमें से कितने परसेंट बटेगा, कितना रहेगा, तो यानी ये 10 करोड़ नहीं, ना जाने कितने करोड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रस्ट बन जाएगा। एक और ख़ास बात बताऊंगा, इस ट्रस्ट में सिर्फ जो हमने कमाया है, किसी की जो कोई दूसरी नहीं, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ओनली जगजीत कौर, खयाम और हमारा बेटा उसने जो कमाया, प्रतीक ही इज नो मोर, लेकिन किसी और का सरमाया नहीं लेंगे, किसी के कोई हेल्प नहीं लेंगे। ये अपने आप में ये ट्रस्ट इतना बड़ा बन जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की खिदमत कर सके। और जैसे कि हमें पता है कि तलत अज़ीज़ उसमें एक ट्रस्ट की है, और कौन से नाम है जो ट्रस्ट की, अगर आप बताइए। नहीं खयाम साहब से ये बात चल रही थी बहुत अच्छे से, मैं भी तो इन्होंने उनसे कहा, तो मैंने कहा मैं जो भी कर सकता हूँ आपके, जो मेरे ख्याल खयाम साहब ने बताया कि आपके सीए जो हैं किरण कामत साहब के वालिद साहब हमारे दोस्त भी, हमारे भाई भी। किरण कामत साहब थोड़ा सा बताएंगे कब से हमारी दोस्ती आपके वालिद साहब के साथ। 1970 से जब से कमाल अमरोही साहब पाकिजा के लिए जो काम वगैरह कर रहे थे, तभी खयाम साहब का बहुत कमाल अमरोही स्टूडियो में भी जाना आना होता था। तो मेरे डैडी वी एस कामत, इज ऑल्सो नो मोर नाउ, ही वॉज वर्किंग फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट that time, and always used to handle Kamal Saab's accounts and all. एक नौबत ऐसी आ रही थी कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पाकिजा शायद अटैच हो जाएगी और पाकिजा रिलीज ही नहीं होगी कोई रीजन से। तो उस टाइम में कमाल साहब और खयाम साहब से के कहूँगा मैं, कामत साहब, खयाम साहब और कमाल साहब, 3 K's का एक साथ आए, और उस साल से आज ऑलमोस्ट 45 years से ऊपर हो गए हम लोग इनके साथ में हैं। पहले डैडी देखा करते थे 20-25 साल, लास्ट 20-22 साल से इनके साथ, जगजीत जी के साथ और प्रदीप, जो उनके प्रदीप जी हैं उनके साथ में ताल्लुका बढ़ते गए, और आज भी हम लोग उनका काम देख रहे हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उनके जो आज कुछ गिने चुने जो भी उनके साथ आज जो भी है, जिनका जिन्होंने इनसे बे इंतहा मोहब्बत की है, उनमें से कुछ लोग ट्रस्टीज होंगे, नॉट नेसेसरी मैं हूँ या दलित जी, काफी और भी ट्रस्टीज स्लोली वी विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग, पुटिंग दैट इनसाइड इन अवर ट्रस्ट। ये जैसे जैसे खयाम साहब बताते जाए कि किस तरह से उसका काम होगा, उस तरह से उनकी परमिशन से जो भी उन्होंने कहा उनको ट्रस्टी के रूप में लाया जाएगा, और वो ट्रस्टीज आगे फ्यूचर में, अभी शुरुआत तो हम लोग जगजीत जी और खयाम साहब से एज अ ट्रस्टी कर रहे हैं, पर स्लोली स्लोली जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा वैसे काफी अलग अलग लोग जो भी है उनके जो तालुकात में आए हैं इतने साल से वो ट्रस्टीज बनेंगे। और जो उन्होंने कहा था सही से 10-12 करोड़ का जो भी कॉर्पस है उसका जो भी इंटरेस्ट आए 80 लाख उसमें से कुछ इंटरेस्ट वापस कॉर्पस में चला जाएगा, और बाकी का
एक लिमिट में, हर एक को एक लिमिट उसने सेट की है उन्होंने, कि किसी को एकदम उठा के पूरा का पूरा पैसा देना बराबर नहीं है। उसमें भी हम लोग वो सोच रहे हैं कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो, ताकि एक 50,000, 1,00,000, 2,00,000 उससे ज्यादा लिमिट नहीं हो इंडिविजुअल की, ताकि वो पैसा काफी सभी लोगों को, मतलब जितने लोग हैं, जितनी जरूरत है, जरूरतमंद के लोगों को तक वो पैसा पहुंचे, उसके हिसाब से हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसका ट्रस्ट का नाम क्या? कल अच्छा दिन है, हम लोग उनकी एक बहुत बैंक है काफी 50-60 साल से, पंजाब एंड सिंध बैंक, वहां पे एक अकाउंट ओपन होगा उनके 90th बर्थडे के दिन। और उस हिसाब से पहले तो यही ट्रस्टी होंगे खयाम साहब और जगजीत कौर जी, और स्लोली स्लोली जैसे उनको बोला जाए, उसमें प्रोविजन है, उस हिसाब से हम लोग एक एक नाम ऐड करते जाएंगे, और उस हिसाब से उनकी जो इच्छा है कि वो पैसा जरूरतमंद तक पहुंचे, आर्टिस्ट हो या जो कोई भी हो जो जरूरतमंद है, मेनली फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, तो वहां पे वो जाने के लिए हम लोग सभी लोग कटिबद्ध होंगे, जरूरी है। जिस हुआ था तो प्रदीप जी की भी इच्छा थी कि केपीजे अमर रहे, और उस हिसाब से वो नाम का जानबूझ के हम लोग वो छोटा सा शॉर्ट फॉर्म जो उन्होंने रखा था वो हम लोग आगे लेके जाते हैं। आपने ही ये तो ट्रस्टी से भी ज्यादा है हमारे। इनका मुकाम हमारे बेटे का है। बेटे का है इनका मुकाम। ये बीना बहुरानी जो है हमारी बड़ी प्यारी बहन, तो ये बहुत हमें बहुत प्यारे हैं, और ये इन्होंने तो काम करना ही करना, और जो शामिल करेंगे सब मिल कर जो जो काम कर सकें और अभी इन्होंने बताया कि तीन, मुझे भी नहीं पता था, बाय द वे अभी मुझे पता लगा कि तीन फिल्में और कर रहे हैं, तो इट इज द काइंड ऑफ रिकॉर्ड माया जी, तो मुझे इस बहुत बड़ी बात है, बड़ा कर्म है, आशीर्वाद है, मतलब इतने प्रिय है कि मतलब इनका इन्होंने कितना बड़ा बना दिया। आप सिंगर बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे मजाक कहना, ये है कि मामूली सिंगर की बात नहीं है। नहीं मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। आप जगह पे सही व्यक्ति आए। मैं हैदराबाद से इधर आया था और एक महफिल में गा रहा था 14th रोड का, जहाँ पर खयाम साहब, भाभी, मिसेज मदन मोहन, सुरैया जी, ये सब बैठे थे, बहुत प्राइवेट महफिल थी, मैं गा रहा था। उसके बाद खयाम साहब ने मुझसे कहा कि बेटे एक दिन हम आपको फिल्म में गवाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी सर। ये 78 की बात है, मुराजान जब इनके पास आई 1980 में आपके पास प्रोजेक्ट आया, इन्होंने बताया, मैं नहीं कह रहा, उसमें सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड गाने थे पहले ओरिजिनली, आशा जी के थे क्योंकि उस सब्जेक्ट में था। इन्होंने मुजफ्फर अली साहब से लड़ झगड़ के ये सोलो रखवाया। हीरो का गाना शहरयार, वो कहते हैं वो किस कद्दू से प्यार करेगी, कुछ तो करता होगा वो, तो सिंगर बना दिया। मकसद कहने का कि वो, मैं आपको कहता हूँ कि मैं ये 15 दिन या 20 दिन कम से कम मैं रोज आता था इनके कमरे पर, और रोज मुझे 2-2 घंटा ये रिहर्सल करवाते थे। और मुझे याद है कि मुजफ्फर अली साहब ताड़ के झाड़ खड़े रहते थे और बैठते ही थे, मुझे ये पूरी ये मेमोरीज है। उसके बाद बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग की शर्मा जी रिकॉर्डिंग इंजीनियर, और वो बहुत, और हम नए नए बिल्कुल घबराए हुए माइक के सामने, और पूरा ऑर्केस्ट्रा बाहर, अगर आप एक गलती कर दो तो फिर से रिटेक होगा, सोचिए प्रेशर कितना बड़ा होता है। तो खयाम साहब की खासियत ये है कि मैंने जो देखा है कि ये बहुत प्रोफेशनिस्ट है। अगर आपने वो जो उनको जो चाहिए अगर आपने नहीं किया या आप समझते कि अच्छा हो गया, वो बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा, एक और। खयाम साहब का एक और सारी इंडस्ट्री में मशहूर है। ये कह रहे हैं कि आप 90 साल के हो गए तो किस तरह जश्न मना रहे हैं। देखिए आपसे मिल रहे हैं, यही जश्न है हमारे लिए। नौजवान जो आ गए माशाल्लाह, आप आए तशरीफ लाए, आप लोगों से मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। बस ये कुछ नहीं कि भाई पता नहीं क्या अब हो, और कुछ नहीं,
हाँ घर है, कोई मेहमान घर में आ जाएगा, मुबारकबाद दे तो वेलकम, किसी को खास बुलाना। अब ये मुझे अजीब लगता है कि साहब हमारी जन्मदिन है, आप आइए, ज़रूर आइए, ये क्या बात हुई? लोगों को आना, जिसको आना होगा, जिसके पास वक्त है, जो आए वेलकम हो। तो इस तरह हम लोग करते हैं। अच्छा, घर में सादा सा खाना वाना भी बनेगा, अल्लाह ने जो दिया वो जरूर बनेगा। ये तो ये जो हम मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े, मुझे कोई किसी से इतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि साहब वो रिपीट करता हूँ कि साहब हमारा जन्म तो आप आइए। अजीब नहीं, आपको ये फ़ोन किया था कि भाई ये मेरा मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हम जो कर रहे हैं ट्रस्ट, इसको मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप इसमें मतलब मेरी वाइफ को बोला कि अब चलिए बुला लीजिए कुछ मैं फ्रॉम द मीडिया, तो हमने जितना हो सका हमने किया। मेरे ख्याल से अगर आप पूछें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ करना चाहिए इनके लिए। हम क्या है, शर्मा जी नाम, 5 साल मेरा शर्मा जी के नाम से मेरा म्यूजिक आया। तो भाई वो शर्मा जी के नाम से एक गज़ल मेरे को याद आ रही है जी, दो शेर उसके भी मैं सुना दूंगा जी, और आप नौजवानों को यकीनन आज भी पसंद आएगी। वो गज़ल थी 1948 में रिकॉर्ड की और रिलीज़ हो गई। वो इतनी मकबूल हुई के रेज ऑफ द नेशन उस गजल को कहा गया। अब वो रफ़ी साहब की आवाज़, वनी साहब का कलाम, मुमताज़ शांति, मीना अल्नासर, उनके ऊपर पिक्चरा थी। अब उसके मैं बोल सुनाता हूँ रफ़ी साहब की आवाज़ में। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते होंगे। दूसरा शेर सुनिए, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़पता तो अब आने लगा कि खयाम साहब कहीं नहीं ये शर्मा जी खयाम साहब ही थे तो है। तो ये गजल का क्रेडिट, फिल्मों में गजल का क्रेडिट, फिल्म इस अंदाज से गजल को ट्यून किया गया, रिकॉर्ड किया गया, गाया गया, तो ये बहुत। और दूसरी गजल शाम गम की कसम, वो 52 में, अब जब मेरा नाम 52 में मेरा नाम खयाम हो गया, और सब ने पूछा खयाम, उन्होंने कि खयाम मेरा नाम है लंबा जोड़ा, मैं वो भी बता दूँ कि मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। तो खयाम क्योंकि ये बड़ा ज्यादा था, सब ने कहा कर, उसमें सरदार चंद्रलाल चाह, ज़ियाथर जी साहब, मजरूर साहब, अली सरदार जाफरी साहब, दिलीप साहब, दिलीप कुमार साहब, वो शाहजहा खयाम, तो ये सब ने मिलकर ये नाम रखा, जब से ये खयाम। तो शाम गम की कसम दिलीप कुमार साहब की अदाकारी, मीना कुमारी जी और ज़ियाथर अली साहब और सरदार क्या मीठा गाना है। आज है आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। अभी भी आप गाए तो इवन आज की पीढ़ी भी इसको एंजॉय करती है। रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। पीढ़ी की एक सिंगर है और ये गा रही थी वो, मैंने गा रही है तो भाभी की गजल भी आज भी
आपको दिखाऊंगा मैं दिखाना नहीं एक कॉन्सर्ट में प्राइवेट कॉन्सर्ट में राधिका है वो राधिका वो गाएगी भाभी जी को दिखाना है आपकी गजल अभी भी बताइए कैसी लग रही तो फिर भाभी जी जो है वो उसमें खयाम साहब थोड़ा सा इसको ऐसे करते नॉटी बॉय मैं एक बात सॉरी सिनेमा का थिएटर का रंगमंच का लिखाई का गायकी का गायक लिखने का ये पूरा इंस्टीट्यूशन ये हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हम दोनों लोग मैं और ये मेरी पत्नी कानात है जो हम लोगों ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम रखा है टेंटेटिवली गुलाम बंधु और ये ख्वाब था जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ तो मेरे वालिद साहब जो मेरी वालिदा जी थी वो गाने इनके सुना करती थी और हमको जब मौका मिला सुनने का तो दिल में एक बात थी कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिला तो खयाम साहब से एक बार मुलाकात होगी और जब ये फिल्म हम लोगों ने लिखी और लिखने के बाद सबसे पहले जो हम लोग अपने नज़रिए से उसमें कास्टिंग और पीछे टेक्निकल टीम को हम लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो म्यूज़िक को लेके हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रकाश भारद्वाज जी हम लोगों के ख्याल में जहन में एक ही बात आई कि इसका अगर कोई म्यूज़िक कर सकता है तो वो खयाम साहब कर सकते हैं वरना कोई नहीं कर सकता साहब ये इसको उस तरफ करें कैमरा नीचे कर लो भाई ये सर अरे वो ऐसे झुकना पड़ेगा ना नीचे आप पहले मेरे नैनों में शाम समाए अब कजला कौन लगाए तो इतनी बड़ी शायरा है बहुत बड़ी कवित्री हैं बहुत बड़ी शायरा हैं हमें बहुत पसंद है इनका कलाम कहती है वाह वाह